मैं अभी जितना जितना हाँ जितना मेरे पास जानकारी है उतना ही दूंगा मैं, क्योंकि उस विषय की जानकारी अभी जैसे आएगी, क्योंकि 3 दिन से ये सारा विषय चल रहा है और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे वो सब था। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूँगा कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूँकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हार्ड ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं हैं, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है, तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का एक अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं, आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधि तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपत्ति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूड़ी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूड़ी ने यह कहा कि हम चुनाव लड़के जाए